मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, और एक बार नए नियम के सवाल इस भाग में आपसे बात करने के लिए प्रभु मदद किया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आज हम मनन करेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 12:48 मत्ती 12:48 Matthew 12:48 में एक सवाल है, उसके बारे में हम आज ध्यान करने वाले हैं। वो मैं पढ़ती हूँ आपके लिए, मत्ती रचित सुसमाचार 12:48। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। इधर हम देखते हैं यीशु मसीह उपदेश देते हुए रह रहा है, तब उधर उनके माता और भाई लोग आ रहे हैं। कोई वो बता रहा है, अभी आपका देखो बाहर खड़े हैं आपके माता और भाई लोग आकर आपको मिलने के लिए आए हैं। लेकिन दूसरा सुसमाचार में लिखा है, वो पागल अपन में है करके सोचकर उसका माता और मरियम, उसका माता मरियम और उनके भाई लोग आकर उसको पकड़ के अपना घर लेके जाने के लिए आए करके दूसरा एक सुसमाचार में पढ़ते। ये देख कर यीशु मसीह तुरंत बोल रहा है, मेरा माता कौन है, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? इसका मतलब क्या है? इधर यीशु मसीह बोल रहे हैं, उसका आंसर भी बता दिया, जवाब भी बता दिया। क्या जवाब है? पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, इच्छा पर जो जो चलते हैं वो लोग मेरे लिए भाई बहन और माता है करके यीशु मसीह उत्तर भी दे दिया है। इधर देखो, परमेश्वर कभी भी पक्षपात करने वाला नहीं है। हम पुराना नियम में देखेंगे तो हम देख सकते हैं, इब्राहिम को प्रभु बुलाया और 8वां दिन जो जो बच्चा लड़का लोग जन्म होते हैं 8वां दिन खतना करना है, वो लोग विशेषित प्रभु के लिए अर्पित किए हुए जाति लोग हैं। इब्राहिम की संतान इसहाक, याकूब के 12 बच्चे लोग, सब उसके वंश पूरा प्रभु से चुने हुए एक लोग हैं। वो लोग कुछ प्रभु का इच्छा करने के करेंगे तब वो लोग चुने हुए, ऐसे नहीं है। इब्राहिम की वंश वाला, उससे जन्म हुआ, सब लोग यहूदी बन गए हैं, इब्रानी बन गए हैं। हम पढ़ते हैं इतिहास में, पहले प्रभु इब्राहिम को और उनके संतान उनको अपना आपको प्रभु प्रकट किया, पिता परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, वो कौन है, वो कितना, उसका रास्ता क्या है, वो कैसा है, कैसे कार्य करता है, उसका गुण क्या है, उसका महिमा क्या है, उसका व्यवस्था दिया उन लोगों को। ये सब इब्राहिम के संतान जो शारीरिक रीति से जो जो इब्राहिम से जन्म हुए उन लोग यहूदी बन गए हैं, उन लोग के लिए ही पहले परमेश्वर अपना आपको प्रकट किया। लेकिन जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह आने का समय में वो लोग, यीशु मसीह यहूदी लोगों के बीच में ही केवल सेवकाई किया, इसराइल देश से बाहर नहीं गए। लेकिन यीशु मसीह आकर कहीं उपदेश देने लगा, कहीं बड़े बड़े अद्भुत काम करने लगा और कुछ अलग रीति से लोगों के साथ व्यवहार करने लगा अच्छी रीति से, और कुछ नए नए चीज़ों को बताया। वो बोल रहा है पुराना नियम में व्यभिचार, एक आदमी एक औरत के साथ व्यभिचार किया तो वो व्यभिचारी है,
बच्चा कृपा किया, लेकिन मैं आपको बता बोल रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, एक स्त्री को ये मतलब बुरी विचार से एक आदमी देख लिया, वो भी विचार कर चुका है। ऐसे ऐसे चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह बोल रहा तो लोग चकित हो गए हैं। ये क्या उपदेश है, नया उपदेश लग रहा है। ये इसका मम्मी पापा भी ऐसे ही, उसका मम्मी मरियम भी, पापा नहीं मरियम भी, और मरियम उनके भाई लोग भी ये सुनकर हमारे भाई को पागलपन हो गया। सब फरीसी सदुकी और पंडित लोग सब उनका विरोध कर रहे हैं, हमारा परिवार को अपमान कर रहा है, इसको पकड़ के घर में बंद करना चाहिए करके वो लोग आ रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह एक नया वाचा, उसमें जो वो करने वाला है उसका मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा, उसको धीरे 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 उनको शुरू कर समझाने के लिए शुरू किया करके हम देखते हैं। प्रिय भाई बहनों, उसके बाद में हमको मालूम है यीशु मसीह क्रूसित होकर पुनर्थान पाकर स्वर्ग में जाने के बाद में पवित्र आत्मा को प्रभु ने भेजे। पवित्र आत्मा केवल 120 लोग यहूदी लोगों के लिए मिला पहले, लेकिन देखिए प्रभु का इच्छा है सबको स्वीकार करना है। केवल इब्राहिम की वंश जो शारीरिक रीति से उससे जन्म हुए, केवल यहूदी लोगों को नहीं है, सब अन्य जाति लोगों को भी उसका परिवार में जोड़ने के लिए परमेश्वर का इच्छा था। इसलिए क्रूस में दोनों का बीच में जो भी दीवार, जो भी रुकावट था, सबको तोड़ दिया करके हम पौलुस की पत्रियों में पढ़ते हैं। तब पहले पहले कैसे शुरू हुआ, पत्रोस को प्रभु दर्शन दिया। ऐसे एक दिन वो प्रार्थना करने का समय में पत्रोस को दर्शन मिल रहा है, कोई अशुद्ध जानवर लोगों को तुम मार कर खाओ करके। तब पत्रोस बोल रहा है नहीं, मैं बचपन से ऐसे जानवरों का मांस कभी नहीं खाया, प्रभु नहीं करूँगा, ये सब अशुद्ध करके वो बोल रहा है। तब स्वर्ग से वाणी आया, क्या वाणी, जो परमेश्वर शुद्ध किया उसको तुम अशुद्ध नहीं बोलने का आ गए। इसमें से क्या, उसके बाद में तुरंत पता चल गया आ गए, कॉर्नेलियस करके एक अन्य जाति का व्यक्ति पत्रस को बुलाने के लिए अपना सेवक लोगों को भेज रहा है, पत्रस उसके साथ जा रहा है, अन्य जाति, अन्य जाति। तब उसके घर में जाकर पूछ रहा है क्या, तब कॉर्नेलियस बोल रहा है मैं एक दर्शन देखा स्वर्गीदूत का, स्वर्गीदूत आकर ऐसे ऐसे बताया, पत्रस को बुलाओ, उसका मुंह से तुम सुसमा मतलब जो जो संदेश वो बोलेगा वो सुनो मानो। तब पत्रस बात करना शुरू किया। वो हम प्रेरितों के काम 10वां अध्याय में 34-35 में हम पढ़ते हैं, 10:34-35 प्रेरितों के काम 10:34-35। तब पत्रस ने कहा अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। देखिए पत्रस को पता चल गया अभी केवल यहूदी लोगों, क्योंकि वो बात करते करते ही कॉर्नेलियस का घर आने और उनके दोस्त लोग जो उधर इकट्ठे हुए थे, सबको सबको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल गया। ये पत्रस और उनके जब प्रेरित लोग सब बारे लोग ऐसे सोच रहे थे केवल यहूदी लोगों के लिए ही यीशु मसीह है, लेकिन इधर देखिए पूरा सब अन्य जाति लोगों पर भी पवित्र आत्मा वो लोग भी पाते हुए तुरंत उसको बपतिस्मा दिया। पत्रस को पता चल गया अन्य जाति लोगों को भी प्रभु अपना परिवार में जोड़ रहा है। ये पत्रस के द्वारा शुरू हुआ। उसके बाद में हम देखते हैं पौलोस यही पूरा अन्य जाति लोगों के बीच में सेवकाई करने के लिए पौलोस को प्रभु ने बुलाया है। पौलोस के लिए हम शुक्रगुजारी रखना है, कई चीज़ों को सामना करके अन्य जाति लोगों को भी कलीसिया में जोड़ने के लिए वो बहुत सेवकाई किया। आज भी हम पूरा विश्व भर अन्य जाति लोग भी उस परिवार में हम आगे हैं। इसलिए इस मत्ती 12 अध्याय में हम ये वचन के पहले हम देखेंगे तो उधर हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। अब देखिए युवना यहूदी है, युवना बड़ा है, लेकिन युवना से बड़ा
मैं इधर हूँ और इतना नहीं, निनिवे शगर वाले यो यू ना जब प्रचार किया, निनिवे शगर वाले अन्य जाति लो यू ना जब प्रचार किया, बोलो तुरंत मन फिर कर प्रभु को स्वीकार किया, प्रभु उसको नाश नहीं किया। और सुलेमान के ज्ञान को पूछने के लिए सुलेमान उधरी था, यहूदी था, वो यहूदी लोगों को उसका ज्ञान इतना ये महत्व पता नहीं चला, लेकिन दूर देश से सेबा देश से वो एक रानी आई, आकर सुलेमान के ज्ञान के बारे में इतना तारीफ किया। इधर प्रभु क्या बोलना चाहते हैं, सब कोई भी जाति में, कोई भी कुल में, कोई भी कुल में हो, कोई भी जाति में से हो, कोई भी देश में से हो, जो जो प्रभु के इच्छा करने के लिए, उसका इच्छा इच्छा पर चलने के लिए जो जो अपने आप को सौंप दिया गया, वही प्रभु का परिवार में वो लोग अंदर आ जाते हैं। वो कोई भी जाति भी हो, शारीरिक रीति से नहीं है, ये आत्मिक एक परिवार है, ये हम अच्छा से समझना चाहिए। कभी कभी कोई कोई दूसरा धर्म से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके हमारे कलीसिया में क्यों आते हैं, तब उनके परिवार सब उनको छोड़ देते हैं, गाली देते हैं, सताते हैं, निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, ये सब तिरस्कार करते हैं, ये सब करते हैं, तब वो लोग कलीसिया के अंदर आ जाते हैं, कलीसिया उसको स्वीकार करता है। कलीसिया में जो जो भाई बहन लोग हैं प्रभु का इच्छा करने वाले, प्रभु के लिए अपने आप को समर्पण किए हुए प्रभु के बच्चे लोग, दूसरा परिवार के हैं, जन्म से वो लोग इसका कुछ संबंध नहीं है, लेकिन वो लोग अच्छा से प्रेम से स्वीकार करते हैं, उन लोग फिर सुरक्षित महसूस करते हैं, उन लोग को दुख बदल जाता है। और थोड़े साल के बाद में हम देखते हैं उनके परिवार वाला भी समझ लेते हैं। इधर भी हम देखते हैं ना, प्रभु बोल रहे हैं मेरे मेरी माता कौन है, मेरे भाई भाई कौन है करके प्रभु पूछ रहा है, लेकिन हमको मालूम है मरियम और उनके भाई लोग अभी समझते नहीं थे, जब ये प्रश्न प्रभु उठा रहे हैं तब समझते नहीं थे यीशु मसीह को, लेकिन यीशु मसीह पुनर्थान पाकर स्वर्ग में चला गया, उसके बाद में 120 लोग ऊपर की कोठरी में बैठते हुए पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करते थे अभिषेक के। उधर यीशु मसीह के माता मरियम भी उधर थी, 120 में वो भी थी, वो समझ में आ गई उसके बाद में, उसको मेरा बेटा मैं सोच रही थी ये वो पागल है, ऐसे कर रहा वैसे कर रहा है, लेकिन वही उद्धार करता है, वही सबके लिए है, केवल मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है, वही वो समझ गई, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया पाई। और बाद में हम देखते हैं याकूब का पत्री लिखने वाला या वो प्रभु का सगाई है, यीशु मसीह का सगाई है, वो भी प्रभु में आ गया, अच्छा से चिट्ठी लिखा गया नया नियम में, वो भाग हो गया उसको, उसका चिट्ठी देखिए, जो ये सब प्रभु पहले से ऐसे रखा गया, जो जो प्रभु के लिए पारा पक्ष नहीं है, पक्षपात कभी नहीं करता है। हम देखते हैं शाऊल और जोनातान, इसराइल लोगों का इसराइल देश में राजा था शाऊल, जोनातान उसका बेटा था, युद्ध आ गया उस देश में, फिलिस्ती लोग विरोधी लोग आकर उधर दानव एक दानव गोलियत आकर रोज वो निंदा करता था, परमेश्वर को निंदा करता था, इसराइली लोगों को निंदा करता था, तब कौन जाना गया उसको मारने के लिए, शाऊल उधर गए, जोनातान उधर गए, वही जाना है ना उसके लिए, वो लोग है इसराइली लोगों को बचाने के लिए विरोधी लोगों के हाथ से, लेकिन हम उधर देखते हैं वो लोग भी, वो दोनों नहीं गए, शाऊल भी नहीं गया, जोनातान भी नहीं गया, लेकिन कौन गया, दाऊद, एक चरवाहा था लेकिन अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति, वो उधर अचानक आया, अचानक मतलब कोई खाने के लिए कुछ अपना भाई लोगों के लिए जो युद्ध करने में वो लोग भी शामिल थे उधर सेना में, उनको मिलने के लिए उनके पापा ने उनके हाथ में कुछ खाने का चीज भेजा, तुम जाकर आओ, जाकर देकर आओ अपने भाई लोगों को, वो अचानक उधर आया, लेकिन देखिए प्रभु उसको इस्तेमाल किया कि उसका अंदर प्रभु के ऊपर प्रेम था, प्रभु का इच्छा करने के लिए उसका मन था, और एक धुन के साथ प्रभु के नाम के लिए वो इतना
आगे गया और गोलियत को मारा। और बाद में देखते हैं वो और भी गोलियत के भाई लोगों को भी दाऊद और उनके साथ जो थे वो लोग मार गए, मार डाल दिए करके हम इतिहास में पढ़ते हैं पुराना नियम में। प्रिय भाई बहनों, हम कभी भी ऐसे नहीं सोचना है। मेरा परिवार ऐसे कभी कभी कोई कोई सोचते हैं, मसीह परिवार में मैं नहीं, कोई कोई सोचते हैं चार पीढ़ी नौ पीढ़ी से हम मसीह करके घमंड करते हैं, लेकिन प्रभु का इच्छा को नहीं जानते हैं, उसका इच्छा उस पर चलते नहीं हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे हिंदू सोचते हैं, दूसरा धर्म से आने वाले सोचते हैं हमारा परिवार तो हमारा मम्मी पापा दूसरा धर्म के थे, हमको कुछ पता नहीं यीशु मसीह कौन गया, कुछ सिखाया नहीं बचपन से, ऐसे सोचते हमको ज़्यादा मालूम नहीं करके सोचते। ऐसा नहीं है, कोई भी हो प्रभु को ढूंढने के लिए अपना जीवन को समर्पण करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास जाने के लिए इच्छा रखते हैं, उसका इच्छा के अनुसार चलने के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं, वही प्रभु के लिए कीमती है, वो प्रभु का परिवार में जुड़ जाते हैं। हम एफिसियों का पुस्तक में एफिसियों में हम ये वचन पढ़ सकते हैं, पौलुस लिखते हैं एफिसियों का पाँच का तीस में ऐसे पढ़ते हैं, हम उसके मांस यीशु मसीह के मांस और हड्डियों के लिए हड्डियों के साथ सहभागी हो गए करके पौलुस एक अन्य जाति कलीसिया को लिखते हैं। इधर से हमको अच्छा से पता चलता है कोई भी ऐसे घमंड नहीं कर सकता है, मेरा पापा पास्टर गए, मेरा दादाजी पास्टर गए, दादाजी का दादाजी भी पास्टर गए, इसलिए मैं प्रभु के निकट हूँ, मैं प्रभु के पास बहुत नस्ती करके कोई भी बोल नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी जाति से कोई भी कुल से कोई भी देश से जो जो प्रभु को स्वीकार करते हैं उसका इच्छा का अनुसार करने के लिए चलते वो लोग प्रभु के लिए प्यारा हो जाते हैं। हम एक बार एक यूथ कैंप दीयू में चला जाने के लिए हम गए, एक पूरा बस भर कर हम सूरत से गए, तब एक उस बस ड्राइवर हमको देखते रहा, हम कोई घंटे यात्रा करके हम गए, वो यात्रा में हम कलिशिया मिलकर हम गए, सब लोग कलिशिया में सब लोग इतना प्रेम से एक दूसरे से व्यवहार किया, अच्छा से हम गीत गाते हुए एक दूसरे को प्रेम करते हुए अच्छा से मिलजुलते हुए जाते हुए वो ड्राइवर देख रहा था, वो दूसरा धर्म के थे। जब हम पहुंच गए उसके बाद में वो पूछने लगा किसी से, आप कौन है आप लोग, यूजुअली एक शादी का घर में जाएंगे तो एक ही जात वाला जाएंगे, एक ही परिवार वाला पूरा बस भर के जाएंगे, प्रेम करेंगे अच्छा से, वो लोग मजा में जाएंगे, लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ ये मैं ये आपके बीच में एक ही जाति वाला नहीं, आप लोग अलग अलग जात वाला लग रहा है, अलग अलग स्टेट वाला लग रहे हैं, अलग अलग विभिन्न तरफ के भाषा बोलने वाला लग रहे हैं, लेकिन आप लोग इतना प्रेम से कैसे आप लोग आपका क्यों जा रहे हैं, क्यों आया ऐसे मिलकर कहाँ जा रहे हो करके वो पूछने लगा। प्रिय भाई बहनों, वो दूसरा धर्म वाला भी समझ लिया, देखिए हम मसीह के परिवार में आने के बाद में हम जाति और अपना जात और अपना कुल अपना परिवार ऐसे हमारा पुराना चीज़ों के बारे में घमंड न करें, हम एक नया परिवार में आ गए, हमारा पुराना परिवार भी है, हम उसके लिए मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ उसको तुच्छ गिनो, उसको इनकार करो, मम्मी पापा इधर देखिए प्रभु बोला गए, मेरी माता कौन गए, मेरे भाई कौन गए, लेकिन देखो जब क्रूसित हुआ गए यीशु मसीह क्रूसित हुआ उधर क्रूस में रह रहा है, वेदना सह रहा, उस समय में नीचे देख रहा है, उधर अपना प्रेमी शिष्य युवना खड़ा है और अपना माता यीशु मसीह की माता भी उधर मरियम भी खड़ी है, यीशु मसीह उसको देखकर तरस खाया, क्योंकि इतिहास में बोल रहे हैं उसके पहले ही यीशु मसीह की मृत्यु के पहले ही यूसुफ मर गया, मरियम विधवा हो गई, तब यीशु मसीह तरस खाकर अपना मम्मी के लिए वो बोल रहा है शिष्य से युगना से, वो युगना इसको तुम अपने साथ रखो, तुम उसको पालन पोषण करो देखभाल करो, यही तुम्हारा मम्मी अभी,
और मरियम से बोल रहा है, ये तुम्हारा बेटा है, मैं तुम्हारा बेटा अभी मर रहा हूँ, मैं प्रभु के, मैं मेरा खत्म हो गया इधर दुनिया में, जो जो कार्य के लिए मैं आया हूँ खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारा बेटा अभी युगन्ना करके, वो युगन्ना उसको स्वीकार किया। ऐसे हम भी परिवार वालों को हम तुच्छ नहीं गिनना गए, मेरा माता का क्या ये करके हम मसीह में आ गए हैं, अभी मेरा भाई बहन लोग सबको मैं छोड़ देता हूँ करके ऐसे नहीं बोलते इधर। अब अच्छा से समझ लीजिए, प्रभु प्रभु का परिवार करके एक परिवार है, यूनिवर्सल फैमिली, पूरा विश्व भर पूरा एक परिवार, बड़ा परिवार गए, दो परिवार हमारे लिए गए, हम शारीरिक रीति से जिस परिवार से जन्म हुए वो परिवार भी गए, वो इस दुनिया का अंत तक हम हमारा परिवार कहला जाएंगे, और लेकिन एक आत्मिक परिवार गए पूरा विश्व भर, वो स्वर्ग में हम एक परिवार बनकर प्रभु को युगानुयुग आराधना करेंगे। स्वर्ग में जाके आने वाले बोल रहे हैं, स्वर्ग में भी जो शारीरिक रीति से जो हम परिवार हमारे लिए मिला गए वो भी उधर प्रभु महत्व देते हैं, उधर भी शारीरिक रीति से जो जो परिवार वाले हैं, जो जो स्वर्ग में पहुंच गए हैं, प्रभु का विश्व बड़ा परिवार में प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ गए हैं, वो लोग पूरा परिवार परिवार मिलकर स्वर्ग में अलग अलग सुंदर पेड़ के नीचे, वो लोग पेड़ के नीचे वो लोग पिकनिक मनाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं, दुनिया में अपना परिवार के बारे में बातचीत करते होंगे, ये सब किए होंगे, वो भी परिवार जो जो प्रभु को उस परिवार में भी शारीरिक रीति से जो भी परिवार हमारे लिए प्रभु ने दिया है उसमें भी जो जो प्रभु को स्वीकार कर रहे हैं वो लोग भी स्वर्ग में आएंगे, उनके साथ भी हम खास रिश्ता रखेंगे। लेकिन सबसे बढ़कर ये परिवार ना, एक नया परिवार प्रभु हमें दिया है प्रभु के बच्चों के लिए, वही प्रभु चाहते हैं, प्रभु हमें इतना एक अच्छा रिश्ता में हमें जोड़ दिया है, इसलिए हम कलिशिया में भी हमेशा हम याद रखना है, कभी भी दूसरा जात वाला दूसरा स्टेट वाला वो ऐसा ऐसा करके हम कलिशिया में ऐसे हम अब तोड़ फाड़ नहीं करना है, ऐसे हमारा जात वालों के साथ ही हम संबंध रखना नहीं है, सबको प्रेम करना है, सबको हम देखना है, यही प्रभु का इच्छा है। यही हम, मुझे एक फ्रेंड है जर्मन देश की है, वो बहन इधर उसका पति सूरत में काम करता था 6 साल, वो ढूंढ कर वो प्रभु की बची थी, पूरा प्रभु को प्रेम करती थी, प्रभु के बच्चों को प्रेम करती थी, ढूंढ ढूंढ कर हमारा घर में आ गए, आके उसी दिन से हमारा इतना अच्छा संबंध हो गया, ये कि पहले ही दिन ही हम थोड़ा गंडो गंडो बात करने लगे, दुनिया में कोई भी रिश्ता ऐसे नहीं हो सकता है, प्रभु का बच्चा होने के खातिर हमारा अंदर एक प्रेम रहता है, एक परिवार है, वो एक अलग खास रिश्ता है। अब दुनिया में कहीं भी गए जाइए, मुझे एक भाई पता है वो अमेरिका में कुछ उसका कंपनी के द्वारा काम करने के लिए 9 महीना उसका उधर जाना पड़ा, तब वो प्रभु का बच्चा वो उधर गया तो एक कलिशिया में तुरंत जाने लगा अमेरिका में, उधर एक अच्छा कोई परिवारों में के साथ उसका अच्छा संबंध हो गया, तुरंत वो लोग एक अमेरिकन परिवार के साथ उसका एक अच्छा रिश्ता हो गया, वो इतना हर रविवार उसको बुलाते थे, खाना खिलाते थे, वो उसके साथ वो भाई जो अमेरिका का वो भाई है इस इंडिया का ये भाई को प्रभु का बच्चा, दोनों प्रभु के बच्चे थे, बच्चे हैं, इसलिए वो अलग अलग जगह में इस भाई को लेके गया पूरा दिखाने के लिए, कुछ उसके साथ अच्छा से आनंद मनाए दोनों उसके साथ, जो ये इंडियन भाई जो मेरा जान पहचान वाला भाई के साथ कोई दोस्त लोग भी गए, इंडियन लोग दूसरे धर्म के थे, वो लोग बहुत आश्चर्य हो गए, वो लोग इस भाई से पूछा आप क्या भाई इधर आकर, एक अन्य देश है हम अभी आकर ही 1 महीना भी नहीं हुआ गए, इसमें आप इतना फ्रेंड्स पकड़ लिया गए, गरीब दोस्त जैसे पकड़ लिया गए, वो लोग आप उसके परिवार में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं उधर के, उधर उसके साथ घूम रहे हैं, इधर उधर आनंद मना रहे हैं, वो लोग आश्चर्य हो गए हैं। लेकिन वो लोग क्या किया, हर रविवार वो लोग अपना रूम में पड़े रहते थे, पीकर पड़े रहते थे, देखिए कितना फर्क है,
प्रभु के बच्चों लोग कितना दूर दूर देश में जाएंगे तो भी हमारा अंदर पवित्र आत्मा है, हम एक ही परिवार के हैं, यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के बच्चे हैं, इसलिए हमारा दिल तो तुरंत जुड़ जाता है। हम क्योंकि अनंत काल तक हमारा रिश्ता रहने वाला है, ये प्रभु जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये सब दुनिया वाले देखकर आश्चर्य हो जाते हैं, लेकिन यही है एक विशेषित बात, यही प्रभु इधर बोलते हैं, मेरा मेरी माता मेरे भाई कौन है। परमपिता की इच्छा करने के लिए, उसका इच्छा का इच्छा पर चलने के लिए जो जो अपने आप को सौंप दिए गए वो लोग ही मेरा परिवार है करके प्रभु इधर बोल के समझाता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करें, आमीन।